जैसे कि अगर किसी के शरीर के स्किन पर सफ़ेद दाग या फिर वेटेलिगो की समस्या है तो इस समस्या में इसका उपयोग किया जाता है। सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है। आपने देखा होगा जब किसी के शरीर में सफ़ेद दाग की समस्या हो जाता है तब उसके शरीर का जो त्वचा यानी जो स्किन है वो दूध के रंग के जैसा हो जाता है। आपने देखा होगा अगर किसी के चेहरे पर सफ़ेद दाग की समस्या हो जाता है तो उसके चेहरे के पर्टिकुलर एरिया पर एकदम वाइट वाइट हो जाता है, चेहरा एकदम दूध के जैसा हो जाता है और जो सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम है ये बढ़ता रहता है कंटिन्यू। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर आप इलाज या दवा नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से आपके पूरे चेहरे पर भी ये हो जाता है। और जैसे कि सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम आपके हाथों में हो सकता है, आपके ओठ के साइड में हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को आप अगर ध्यान से देखेंगे अगर उनका जो स्किन है यानी जो उनका ओठ का स्किन है वहाँ पर भी आपको सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम देखा जा सकता है। और जैसे कि जो हाथों की उंगलियां हैं उंगल नाह के साइड में नाखून के साइड में यहाँ पर भी सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है, चेहरे पर हो जाता है, कान के साइड में सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है, आँखों के साइड में सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है, गाल पे हो जाता है, पीठ पर समस्या हो जाता है, पैरों में हो जाता है, मांसपेशियों के साइड में भी आपने देखा होगा पैरों के वहाँ पर भी सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी बॉडी पर अगर कहीं पर भी आपके शरीर में सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम है तो इस समस्या को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं और इस क्रीम का उपयोग स्किन पर किस प्रकार की दिक्कत या फिर किस प्रकार के सफ़ेद दाग की समस्या स्किन पर रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। इसको लगाना कैसे होता है, एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, किस प्रकार के चर्म रोग की समस्या में इसका उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर किसी के शरीर पर कहीं पर बॉडी में पूरे बॉडी में कहीं पर अगर सफ़ेद दाग की समस्या हो जाता है जिसे वेटिलिगो कहते हैं तो उसके शरीर में क्या होता है, आपने देखा होगा उसके शरीर में वाइट चकत्थे से हो जाते हैं, जैसे कि वो पहले छोटा रहता है। अगर आप कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा नहीं लेंगे या फिर कोई भी क्रीम कोई भी लोशन आप अप्लाई नहीं करते हैं तो वो क्या होता है जो सफ़ेद दाग की समस्या रहता है ये कंटिन्यू बढ़ता रहता है और ये एक जगह से फिर दूसरी जगह भी निकलने की समस्या होता रहता है, यानी एक प्रकार से ये बढ़ता रहता है। यह एक चरम रोग होता है जो आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे ये पूरे बॉडी में हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा चरम रोग एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी जल्दी ठीक नहीं होता है, अगर आप मेडिसिन या दवा नहीं लेते हैं तो ये आपके पूरे शरीर में हो जाता है। चरम रोग ये आपके ओठ के साइड में हो सकता है, आपके कान पे हो सकता है, आपके आँखों के नीचे हो सकता है, आपके पीठ में हो सकता है, आपके पैर में हो सकता है, आपके जांघों के साइड में हो सकता है, आपके पैरों के उंगलियों के भी बीच में ये समस्या देखा गया है, आपके आँखों के जो ये बरौनी होता है उसमें भी आँखों के साइड में भी ये समस्या हो सकता है। इन सारी समस्याओं को यानी सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये काफ़ी अच्छा क्रीम होता है, डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। जब किसी के शरीर में यानी सफ़ेद दाग या फिर वेटिलिगो की समस्या रहता है तो वहाँ पर ये अप्लाई करने के लिए बताया जाता है। ये क्रीम काफ़ी अच्छा क्रीम होता है, डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये क्रीम लगाना कैसे होता है। जैसे कि अगर आपके शरीर में बॉडी में कहीं पर सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है यानी वेटिलिगो की समस्या है तो ये क्रीम आप अपनी उंगली में निकाल करके आपने पर्टिकुलर एरिया पर यानी आपके बॉडी में जहाँ जहाँ पर सफ़ेद दाग की समस्या है वहाँ पर इसे हल्के हाथ से जैसे कि आप क्रीम अपने चेहरे पर लगाते हैं ठीक उसी प्रकार से ये भी क्रीम आप अपनी उंगली में निकाल कर आप अपने बॉडी में जहाँ पर आपको सफ़ेद दाग की समस्या है वहाँ पर अप्लाई करें। ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने का काम करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये क्रीम एक दिन में कितनी बार लगाना होता है। जैसे कि ये क्रीम डॉक्टर के द्वारा दिन में 2 से 3 बार स्किन पर लगाने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि ये क्रीम आप लगाते हैं तो इसके साथ में आपको कोई भी क्रीम नहीं लगाना होता है। डॉक्टर के द्वारा आपको बताया जाता है कि अगर आप ये क्रीम आप अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं तो इसके साथ में आपको कोई भी क्रीम
स्किन पर अप्लाई नहीं करना है। ये क्रीम आपको वहीं पर लगाना है जहाँ पर आपके बॉडी में सफ़ेद दाग की समस्या है, वहाँ पर ये क्रीम आपको हल्के हाथ से अप्लाई करना होता है। ये क्रीम आपके बॉडी में जो सफ़ेद दाग की समस्या है उसे जड़ से ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि इस क्रीम का उपयोग और भी चर्म रोग से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम अप्लाई करने के लिए मरीज को दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस क्रीम का क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि ये क्रीम लगाने के बाद में अगर आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा जलन की समस्या होने लगे या फिर खुजली होने लगे या फिर बहुत ज़्यादा रेडनेस होने लगे या फिर सूजन की समस्या आ जाए तो ये क्रीम तुरंत आप बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या और कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में दवा लें। कभी भी आपको कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से उपयोग नहीं करना है।